देखिए सर, आरजीटी और फलना जीटी हम नहीं जानते हैं। हम कितना है डेलवा जीतता है तो तुरंत भुतावी लग हो जाए। कौन दे रहा? 2000 रुपया दे रहा है तो मोदी ने दे रहा है। राशन फ्री करवा दिया है, पहले पैसा से लेते थे, राशन फ्री दे रहा है तो कहाँ कौन दे रहा है? मोदी ने दे रहा है। लोग बोलता है कि मोदी ऐसा है वैसा, मोदी एक नंबर आदमी है। अभी हिंदुस्तान में मोदी जैसा नेता भी धरती पर जन्म नहीं लिया है। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। देखिए गया लोकसभा का चुनाव है और हम गया में ही घूम रहे हैं। गया के अभी डोभी प्रखंड में हम हैं और यहाँ देखिए हमारे साथ सैकड़ों की जनसंख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं। इस गांव का नाम है करमौनी। हम यहाँ के लोगों से जानने के प्रयास करेंगे कि अभी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में यहाँ दो कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो यहाँ 18, 19, 20 कैंडिडेट है लेकिन दो कैंडिडेट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा। पहला आरजेडी से है जो कुमार सरबजीत है, दूसरा जीतन राम मांझी जी है जो एनडीए प्रत्याशी है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोग एनडीए के खेमा में वोट करना चाह रहे हैं कि आरजेडी के खेमा में वोट करना चाह रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? उपेंद्र मांझी, भरुआ है, गांव वारी पंचायत है, बोधगया प्रखंड है जी। क्या कहना चाहेंगे? गया लोकसभा में जीतन राम मांझी जी चुनाव लड़े थे, तुम क्या कह रहा है? हम मांझी जी के वोट देंगे और गरीब दल के लोग हैं हम लोग, अभी देंगे तो गरीब आदमी के वोट देंगे हम लोग। मांझी के 1 लाख 1.5 लाख से पार से जिताएंगे। अच्छा। और पूरा समाज गरीब लोग सवेरा में पूरा जुटा हुआ है और सब लोग वोट देंगे और तो शांति पूर्वक से वोट पड़ेगा। मांझी जी के भारी मतों से विजय बनाएंगे। आरजेडी के कहा नहीं दिल चाहते हैं आप? देखिए सर, आरजेडी और फलना जीटी हम नहीं जानते हैं। हम लोग का गर्जियन है मांझी जी और जब भी कोई कांड आता है तो मांझी जी हमको साथ देता है। इसलिए हम मांझी जी के वोट देंगे और अन्यथा किसी को भी नहीं देंगे, है ना? हाँ, समस्या आता है तो मांझी जी आ जाते हैं। मांझी जी करते हैं। और भी हमारे साथ है बहन लोग, क्या कहना चाहेंगे दीदी? मांझी जी के वोट देंगे। मांझी जी के देंगे? का है लालटेन में देवे में दिक्कत है? का है दिक्कत ना है? लालटेन में जीतता है तो तुरंत भुतावी लग हो जाए। अच्छा। हर जानवर जीतते तो कब ने कब 500 देता है? अच्छा अच्छा। गरीब गरीबे के नाम जाना है कि अमीर वाद में गरीब, यानी गरीब गरीबे के हाल जानता है यहाँ के लोगों के कहना। और भी लोग हैं, हम जाने के प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया, आरजेडी के या मांझी जी के? मांझी जी के, जीतन राम मांझी जी के। जीतन राम मांझी जी के? हाँ जी। आरजेडी के कहा नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते हम लोग। हम लोग अपना अपना जाति जाति के मरते हैं। अच्छा, जात पर मरते हैं, है ना? क्या कहना चाहेंगे चाचा? तो क्या मांझी जी को वोट देंगे? हाँ। मांझी जी के इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जो है वो जो है हम लोग का मदद नहीं करता है। हाँ। मदद करता है तो मांझी समाज जो हम में है, मांझी समाज हमको मदद करता है, मांझी जी को हम लोग वोट देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, यानी राष्ट्रीय जनता दल के लोग आप लोग के मदद नहीं किए? कुमार सरबजीत को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। देखिए यहाँ गया जिला से दो कैंडिडेट महत्वपूर्ण है, एक जीतन राम मांझी जी है, एक कुमार सरबजीत है। बहुत सारे लोग कुमार सरबजीत के जानते भी नहीं। कुमार सरबजीत के जानते हैं जी? नहीं जानते हैं। जानते हैं जीतन मांझी राम को जिताना है, भारे भारे सब उसको विजय बनाना है। अच्छा, मांझी समाज थोड़ा सा शांत हो जाइए, जहाँ जहाँ आप लोग खड़े हैं थोड़ा सा शांत हो जाइए, जहाँ जहाँ आप लोग खड़े हैं शोर नहीं मचाइए, शांत हो जाइए थोड़ा सा। और भी हम पूछना चाहेंगे, हमारे साथ दीदी लोग हैं, थोड़ा सा कैमरामैन फोकस कीजिएगा दीदी लोग पर। क्या कहना चाहेंगे दीदी, काहे आप लोग जीतन राम मांझी के वोट देना चाहते हैं? देंगे, ज्यादा दुनिया जीतता है तो कोई कार्य न करते, हम लोग का जात कर रही है ना कर, हमको जात जीतेगा, जात जीतेगा। हाँ, जात पर भरोसा। अच्छा, जात बाहर सब जाते में जीते वोट? इतना जात जीता है हम लोग, कचरे में डूब रहे सब, उनका चल गए तो कहीं ना हम लोग दे देंगे, हमको जात दे चाहे न दे अपना जात के जिताएंगे। हाँ, कितना वोट से जीतन राम मांझी जी जीता दुनिया से पता हो? कितना वोट से आप लोग जितवाइएगा? हजार वोट यहाँ से, हजार वोट यहाँ से, हजार वोट मिलते जीतन राम मांझी जी के, है ना? हाँ, भारे मतों से उसको विजय बनाना है। अच्छा, कितना वोट से जीतेंगे? गरीब आदमी है, गरीब आदमी को हम एक सहारा देखने लिए चाहते हैं। हाँ, और भी हमारे साथ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या कहना चाहेंगे जीतन राम? और फैलो दबा दो, थोड़ा सा आप लोग जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिएगा। क्या कहना चाहेंगे जीतन राम मांझी जी के? आप लोग पोस्टर लिए हुए हैं और पंपलेट लिए हुए हैं, कुमार सरबजीत जी को काहे नहीं आप लोग देना चाहते हैं लालटेन को? लालटेन को हम इसलिए नहीं देना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा सा शांत हो जाइए। चाहते हैं कि सब दुनिया अपना जाति पर मर रहा। अच्छा, तो हम क्यों नहीं जाति पर मरेंगे? अच्छा,
हम अपना जाति पे मरेंगे, वो अपना जाति पे मर रहे तो हम भी अपना जाति पे मरेंगे। अच्छा, हम अपना नरेंद्र मोदी को समर्पण करेंगे हम लोग। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी कुछ यहाँ आप लोग के लिए कुछ किए है, दिए है? बहुत कुछ किया है, हमारा देश बचा के रखा है। अच्छा अच्छा, हमारा देश बचा कर रखा, अभी हमारा पूरा देश वाला आँख दिखाने से हिंदुस्तान पर डरता है, सिर्फ मोदी की वजह से, मोदी की वजह से डरता है। अभी ये क्या बोलता है, सरकार योजना दे रहा है किसानों को, तो कौन दे रहा है, 2,000 रुपया दे रहा है तो मोदी ने दे रहा है, राशन फ्री करवा दिया है, पहले पैसा से लेते थे और राशन फ्री दे रहा है, तो कहाँ कौन दे रहा है, मोदी ने दे रहा है। लोग बोलता है कि मोदी ऐसा है वैसा, मोदी एक नंबर आदमी है, अभी हिंदुस्तान में मोदी जैसा नेता भी धरती पर जन्म नहीं लिया है ना, जन्म हिंदुस्तान में मोदी जी जैसा धरती पर कोई नेता नहीं है, क्या कहना चाहेंगे जी? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात बोले हैं चंद्र जी, मोदी जी जैसा नहीं मिलेगा नेता। और सब देखिए, NDA भी गठबंधन है, BJP भी गठबंधन है, 3-4 पार्टी गठबंधन है, और मांझी जी का खुल को समर्थन कर रहा है, चिराग पासवान खुद बोला है कि देना है तो मांझी जी के दो, इसलिए सबको जाति और पार्टी पे नहीं देना चाहिए, ऊपर में टिकाना चाहिए वोट कि हमारा ऊपर लेवल में कौन रहेगा, इसलिए कि हम लोग का पूरा जारी है सर, गया जिला का संसद रहेगा तो जीता राम मांझी जी रहेंगे और भारी मतों से विजय बनाएंगे, 1,00,000-1.5 लाख से पार जिताएंगे, जिताएंगे जिताएंगे मांझी जी को जिताएंगे, मांझी जी को जिताएंगे, मांझी जी गरीब दल के लोग है, गरीब दल के लोग को देखता है और बड़े लोग को भी देखता है, वहाँ पे मांझी जी ऐसा व्यक्ति है कि सबको बात को रखता है, सबको बात को रखता है। ठीक है, मांझी जी को वोट देना चाहते है दीदी लोग, थोड़ा सा हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, आप लोग मांझी जी के वोट देना चाहते हैं, मांझी जी के कौन छाप है, चढ़ाई तक कितना नंबर पे है, चार नंबर, सबके याद है, सब आजकल के डेट में जागरूक महिला है, यहाँ देखिए तमाम सैकड़ों लोग महिलाएं थे यहाँ पर, पुरुष थे, हम जानने के प्रयास कर रहे थे, ये करमौनी का भालुआ गांव है, डोभी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ के लोगों से हम जानने के प्रयास कर रहे थे कि गया लोकसभा का चुनाव है, क्या कुछ करने वाले लोग हैं। जैसा ही इस गांव में हमने पहुंचा तो यहाँ देखिए पोस्टर लेने करके लोग खड़े हो गए, इससे समझ जाइए कि गांव के लोग भी जागरूक हो चुके हैं, और ग्राउंड रिपोर्ट जीरो से आपको हम दिखा रहे थे, और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा पीछे आइएगा, थोड़ा सा पीछे आइएगा, क्या कहना चाहेंगे बोलिए, क्या कहना चाहेंगे जी जी, बोलिए बोलिए, आप लोग संकोच नहीं कीजिए, बोलिए क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए, माझी समाज हम लोग क्या है, वोट दे के जिताएंगे भाई मोदी से। हाँ। अच्छा, RJD यानी लालू प्रसाद यादव जी को आप लोग काहे नहीं देना चाहते हैं, नहीं देंगे, हम अपना जाति पे मेरे है ना, अपना जात को वोट देंगे, है ना, दूसरा जात को वोट नहीं देंगे, है ना। देखिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि अपना समाज के वोट देंगे, अपना जात के वोट देंगे, और भी हमारे साथ लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे, भैया से थोड़ा सा एक बयान ले लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, हमारा जो नेता है जीतन राम मांझी, हमारा समाज के लिए बहुत बढ़िया नेता, गरीब आदमी को देखता है, हम प्रयास करेंगे कि हमारा नेता जो है कड़ाही छाप, जो हमारा जीतन राम मांझी गया क्षेत्र के सांसद रहे, हम लोग को बहुत खुशी की बात है, और जहाँ हो सकता है हम लोग 1.5-2 लाख से वोट से हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे, है ना। हाँ, यानी गांव के लोग भी जागरूक हो चुके हैं, इस बार कहना है कि 2 लाख से ज्यादा वोट से जिताने के काम करेंगे, क्योंकि गया लोकसभा में जीतन राम मांझी जी को केंद्र में मंत्री बनाना चाहते हैं, और भी हमारे साथ लोग हैं, हम जाने का प्रयास करेंगे, और भी हमारे साथ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, केकर वोट दे वहाँ, केकर वोट दे वहाँ, काची छपवा है उनका, कढ़ाई छपा है, कई नंबर पर है, चार नंबर पर है, वोटर लोग जागरूक है, वोटर लोग जागरूक है, आप ग्राउंड रिपोर्ट जीरो से देख रहे थे, अभी हम लोग डोभी प्रखंड के वारी पंचायत उसी के अंतर्गत ग्राम भलुआ में है, यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे थे, क्या ग्राउंड रिपोर्ट जीरो से इन लोग का बयान आ रहा था, जैसे हम गांव में पहुंचे हम पार्टी का झंडा लेकर के लोग खड़ा हो गया, बाकी नमस्कार, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हर गाँव में जाने के हम प्रयास करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट बताने का प्रयास करेंगे।